नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव लड़ने से भयभीत है कांग्रेसी नेता सुधांशु त्रिवेदी, और जहरीली हुई दिल्ली की फिजा, 200 स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटी की बंद, दिल्ली की पूरी कमाई लेकर हुए फरार। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राजस्थान में आकर अभिनव अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि बड़े नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो तथा कथित बड़ा नेता कहते हैं, उनकी इतनी भी क्षमता या हैसियत नहीं होती। यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो अपने ही क्षेत्र में सीमित हो जाएंगे। यह वक्तव्य मात्र कांग्रेस की उस मानसिकता का परिचायक है कि वो चुनाव लड़ने से कितने भयभीत हैं उनके बड़े नेता। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, यदि तथाकथित बड़े नेता ही चुनाव लड़ने से डरेंगे या येन केन प्रकारेण उससे बचने का प्रयास करेंगे तो भयभीत नेता जीत को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं या सहजी समझा जा सकता है। वैसे कांग्रेस में यह कोई नई बात भी नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बोला है वो कांग्रेस की परंपरा के अनुसार बोला है, क्योंकि कांग्रेस में कभी भी जनता के मध्य कार्य करके, कठोर परिश्रम करके, जन समर्थन के द्वारा ज्यादातर लोग बड़े नेता नहीं बने हैं। वो परिवार के ही समर्थन से बड़े नेता बने। राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिवाली के बाद से प्रदूषण का सार लगातार बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा मिले एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण का सार 373 पर प्रदूषण कारक 2.5 पीएम और 286 पर 10 पीएम लोधी रोड पर है, जो सोमवार से भी ज्यादा है। पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रविवार देर रात चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान में रखे लाखों के कैश पर अपना हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।